इस लेक्चर में हम कवर करेंगे ऑफसेट एंड थिकन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का हम आउटसाइड लार्जर कॉपी बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं ऑफसेट। या हमारे पास एक रेक्टेंगल है, हम उसका इनसाइड स्मॉलर कॉपी बनाते हैं तो इसका नाम है ऑफसेट। अब हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की हम सिमल्टेनियसली इनसाइड और आउटसाइड दोनों कॉपी बना दे तो इसका फिर नाम है थिकन। फर्क सिर्फ इतना है कि थिकन एक वक्त में दो बनाती है कॉपी और ऑफसेट एक बनाती है। अब मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है जो 300 बाय 200 का है, हम ऑफसेट करते हैं, ठीक है। इसमें तीन कमांड आते हैं ऑफसेट के, सिंगल, चेन एंड लूप। तो इसमें फर्क है कि सिंगल के जरिए हम किसी भी एक लाइन की ऑफसेट बना सकते हैं, चेन में हम दो कंजिगेटिव लाइन या तीन कंजिगेटिव लाइन की ऑफसेट बना सकते हैं और लूप में हम सारे फिगर का ऑफसेट बना सकते हैं। तो पहले आते हैं कि सिंगल, इसमें आप सिंगल लाइन क्लिक करें, इसमें ये ऑप्शन आएगा तो आप किसी भी डिस्टेंस पे आप ऑफसेट बना सकते हैं। और वो किस तरह बनेगा, जब आप पॉजिटिव डिस्टेंस देते हैं तो इस डायरेक्शन में उसका ऑफसेट बनेगा। फॉर एग्जांपल हम देते हैं 10, तो 10 डिस्टेंस पे इसका कॉपी बनेगा। तो अब ये देख ले 10 डिस्टेंस पे इस लाइन का कॉपी बन गया। अब आते हैं ऑफसेट में चेन की तरफ, तो इसमें इस दो लाइन का कॉपी बनाना है, ठीक है। तो आप इस लाइन को क्लिक करें, कंट्रोल दबा के इस लाइन को क्लिक करें, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करें। अब क्या बनाना है, इसका ऑफसेट बनाना है 10 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में 10 डिस्टेंस पे इसका कॉपी बनेगा और आप ओके कर दें। अब देख ले इस 10 डिस्टेंस पे इन दोनों लाइन का, यानी कंजिगेटिव लाइन है, इसका कॉपी बन गया ये, क्लियर। अब आते हैं ऑफसेट और लूप की तरफ, आप किसी भी लाइन को क्लिक करें और इसमें ये सारा फिगर सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं इस लाइन को क्लिक करता हूँ और कितने डिस्टेंस पे, फॉर एग्जांपल अगर मैं -10 करता हूँ तो ये बाहर की जानिब 10 डिस्टेंस पे एक रेक्टेंगल बनेगा और इसको ओके करता हूँ, ठीक है। तो बाहर ये 10 डिस्टेंस पे ये बाहर वाला रेक्टेंगल बन गया। तो अब हमने ऑफसेट में तीन कमांड को सीख लिया, सिंगल में किसी एक लाइन की करते हैं, चेन में किसी दो कंजिगेटिव या तीन कंजिगेटिव लाइन की करते हैं और लूप में सारे फिगर की ऑफसेट हम बनाते हैं। अब आते हैं थिकन कमांड की तरफ, तो आप इस पर क्लिक करें, ठीक है, और सिंगल के जरिए आप किसी एक लाइन का ऑफसेट बना सकते हैं लेकिन दो इकट्ठे। इसी तरह चेन के जरिए आप किसी दो कंजिगेटिव लाइन का ऑफसेट बना सकते हैं और लूप के जरिए आप सारे फिगर का बना सकते हैं। लेकिन जब हम किसी एक सिंगल का ऑफसेट बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें ये दूसरा ऑप्शन है एंड, तो इसमें जो एंड बनेगा वो ओपन ही होंगे। अब इसमें हम थिकनेस एंटर करते हैं, यानी जब दो लाइन बनते हैं तो इस दो लाइन की थिकनेस क्या होगी। फॉर एग्जांपल अगर इसकी थिकनेस है 20, ठीक है, और एक लाइन का डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा, तो वो है 10। असल में जो दो लाइन हमने बना ली ऑफसेट, वो ये दो लाइन है जिनके माबेन ये बाहर वाला और ये अंदर वाला, ये दो लाइन हमने बना ली जिसके थिकनेस था 20, देख ले 10 + 10 = 20 बनता है। और इसी एक लाइन का ये ओरिजिनल रेक्टेंगल से डिस्टेंस है 10 और इसकी एंड किस तरह है, ओपन है, तो इसमें ओपन ऑप्शन पे हमने क्लिक किया था, ठीक है। अब दोबारा थिकन पे क्लिक कर दे, हम बनाते हैं इस सिंगल की थिकन और इसकी एंड बनाते हैं प्लेट का मतलब एक लोल, तो इस पे आप क्लिक करें, उनके दो लाइन के माबेन डिस्टेंस 20 कर दे और एक का यहाँ से डिस्टेंस कर दे 10। तो देख ले आप इसके एंड दोनों के दरमियान फासिला, यानी थिकनेस इसकी है 20
ठीक है, आवर इसके एंड है क्लोज। अब दोबारा थिक एंड फेक क्लिक करें, इस एक लाइन का बनाते हैं, ठीक है, थिकन बनाएंगे और इसकी एंड बनाएंगे सर्कुलर। तो आप इस पर क्लिक करें, थिकनेस दे दे दो लाइन के माबेन 20 और यहाँ से एक लाइन का डिस्टेंस दे दे 10। तो अब देख ले इसमें एंड अब सर्कुलर है, इन दोनों के माबेन डिस्टेंस है यानी थिकनेस है 20 और इस ओरिजिनल का यहाँ तक इन साइड के रेक्टेंगल यानी लाइन तक डिस्टेंस है 10। इसी तरह चेन में आप बनाएंगे किसी दो लाइन के, ठीक है, तो फिर इसकी इन आप ओपन फ्लैट और सर्कुलर बना सकते हैं। तो चलो हम इस लाइन की और इस लाइन की चेन बनाते हैं थिकन। आप इसको स्टेप करें, डिस्टेंस कितना ले रहे 20, ठीक है, और थिकनेस 10 दे दे, उसकी लेंथ 10 दे दे और इसको आप स्टेप करें। तो आप देख ले ये थिकन बन गया 20 डिस्टेंस पे और जिसका एक लाइन का डिस्टेंस है 10, ठीक है, इन एक चेन का बन गया। अब इसी तरह चेन में आप लेड और सर्कुलर भी बना सकते हैं, इस तरह लूप में भी है। तो लूप में इस बात का ख्याल रखें कि इसमें ओपन नहीं बन सकता क्योंकि सब लाइन का इंटरसेक्शन होता है, तो वही क्लोज फिगर बन जाएगा, ठीक है। ओपन और अपलेट इसमें एक जैसे है। अब मैं आता हूँ इसकी तरफ, आप इस लाइन को क्लिक करें, सारे फिगर खुद ब खुद उसका थिकन बन जाएगा। थिकनेस 20 कर दे और डिस्टेंस कर दे यहाँ से 10। ये तो मैंने ओपन सेलेक्ट किया था लेकिन फिर भी ये क्लोज बन गया है क्योंकि यहाँ के लाइन इससे इंटरसेक्शन हो गई, इसके लाइन यहाँ से, तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज फिगर बन गया। असल में ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक था, ओपन था, लेकिन इस लाइन के थिकन ने उनसे इंटरसेक्ट किया तो क्लोज ऑटोमेटिकली बन गया। क्लियर? अच्छा, इसमें ये है कि लूप में ये फ्लैट वाला, ओपन वाला और सर्कुलर तीन एक जैसे है क्योंकि ये इंटरसेक्शन होता है और ओपन पार्ट भी नहीं रहता और सर्कुलर भी नहीं रहता। इसको आप 20 कर दे और ये 10। तो इसमें ओपन फ्लैट और सर्कुलर तीनों एक जैसे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे सेंट्रल लाइन, पॉइंट, कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कंस्ट्रक्शन मोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।